तो नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी 2023 ये फर्स्ट सेटिंग दोस्तों मेरे पास पेपर है, पूरी तरह से जो है कि ओरिजिनल पेपर है दोस्तों। आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन पूछा गया था विद्यार्थियों से, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुलक निकालना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए 16 होगा और इसका निम्न सीमा उच्च सीमा ज्ञात किए होंगे आप लोग, ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे दोस्तों F1 - F4, ठीक है। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति में सूत्र दिया गया था, यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है sec θ - tan θ / sec θ + tan θ बराबर इतना लाना आपको, ठीक है। इसको सिद्ध करना है आपको, 5 नंबर में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है नदी के किनारे आदमी खड़ा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हाई एंड डिस्टेंस से, ठीक है। चलिए ये दोस्तों क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्या, सिद्ध करें कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के समान होता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, ये थेल्स प्रमेय के आधार पर पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 5-5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। आगे देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है और वजन भी है, इससे बात नहीं है। यहाँ पर देखिए सिद्ध करें कि 5 - √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। वही काम का मतलब घुमा दिया क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भागफल, ठीक है। अब देखिए इसका मौसम ज्ञात करना था आपको, इक्वल विभाजन से आप तो पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। इसका देखिए दोस्तों, ये वज्र से दोस्तों हल करना है आपको, ध्यान रखिएगा, है ना, आपको हल करना है। सेकंड सेटिंग में पेपर दोस्तों ये जरूर पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ से यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद यहाँ दिया है दोस्तों, तो एक अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा निकालना है। यानी यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा और यहाँ से बीटा बीटा ख़त्म, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा a² b² क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, इस पर बनेगा ये सूत्र, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा आपको, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूल ज्ञात करना है। मूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, a = 6 होगा, b = 17, c = 12 होगा, यहाँ से d निकालेंगे। उसके बाद x वाला सूत्र लगाएंगे दोस्तों, मूल निकल जाएगा, x बराबर होता है -b है ना +√d/2a, यहाँ से लगाइएगा मूल निकल जाएगा, ओके। चलिए फटाफट देख लीजिए, फर्स्ट सेटिंग में है दोस्तों, एकदम ओरिजिनल पेपर है। उसके बाद देखिए ये सिद्ध करने के लिए दिया था, मतलब कि इसमें मान बैठाते जाएंगे और यहाँ से आपको 4 लाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos a का मान 4/5 दिया है, तो cot a + sin a का मान पूछ रहा है। यानी cos a का आप कुछ नहीं करना है, cos का आधा बटा कौन होता है इसमें बैठा दीजिए दोस्तों, यानी cos का आधा बटा कौन होता है लंब निकाल लीजिए, उसके बाद बैठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए संदेखी वाला सवाल आ गया, k किस मान के लिए इतना संदेखी है, ये वाला देखिए सवाल उठाया हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बच्चे बोल रहे थे कि बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन आएगा, जी नहीं, गलत बात है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घात क्या होगा, देखिए 192 निकालना होगा, तो आराम से आप ऐसे कर लीजिए 192, ठीक है। यहाँ से करते जाइए, 2 2 9 18, 2 6 12, ठीक है, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8, 2 8 16 होगा दोस्तों, यहाँ से 2 2 9 4, 2 4 8, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से 12 कटेगा, यहाँ 12 बचेगा, ध्यान रखिएगा 12 बचेगा, ठीक है, 2 से 6 बचेगा, फिर 2 से 2 3 6, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कितने बार आया दोस्तों, 2 के पावर 6 आया, तो 6 बार आया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, फर्स्ट सेटिंग दोस्तों, फर्स्ट सेटिंग बाबू, यहाँ पर पूछा है कि √81/2 कौन संख्या है, परिमेय, देखिए 81 का 9 होता है √2, तो क्यों होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा परिमेय संख्या, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए दूरी निकालना है, यहाँ पर सूत्र लगाएगा आप लोग, ठीक है, x1 - x2 + y1 - y2 लगाएंगे, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों इस साइड क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाग a = bq + r a = 72 दिया हुआ है, q = 8 दिया, r = 0, तो b = कह रहा है, इसमें पुट कीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पुट कीजिए, ए देखिए यहाँ पर a = 72 है, क्लियर है, बराबर b = पूछा है भाई गुणे, अब देखिए q = क्या है, q = 8 है, ठीक है, प्लस r = 0, तो यहाँ से 72 होगा बराबर 8, क्या होगा 8b + 0, तो यहाँ से कटाइए 8 9 72, b = कितना आ गया 9 आ गया। यही सवाल सिंपल सा पूछा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप करेंगे,
बिहार बोर्ड जो कि फर्स्ट सेटिंग में पेपर पूछा गया है, मैं उसका आप लोगों को सोल्यूशन दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसको पूरी तरह से। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। क्या बोला है, यदि 130 का इतना दिया है, 15 का इतना दिया है, तो 100 इतना है, तो 100 निकालना है। देखिए यहाँ पर सूत्र होता है HCF गुणे LCM, ठीक है, बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। भैया पहली संख्या यहाँ पर दिया है, दूसरी संख्या दिया है, तो 100 निकाल लीजिए, ठीक है। पहली संख्या का मान 130 है, दूसरी संख्या मान 15 है, निकाल लीजिए फटाफट दोस्तों यहाँ से। देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, वाह क्या क्वेश्चन है दोस्तों, परिमेय संख्या 36 और 64 कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है, 100 का मूल क्या होगा 10, यही होगा परिमेय संख्या, ठीक है, और बाकी सब अपरिमेय। ओके चलिए यहाँ पर देखिए कितना आसान आसान दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस घुमा दिया है। दो संख्याओं गुणफल दिया है और यहाँ पर उनका HCF दिया है 17, उनका LCM क्या होगा, देखिए इसका भी सवाल आप लोग को बताए हैं। HCF गुणे LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणफल, ठीक है, कुछ नहीं करना है छात्रगण। देखिए दो संख्याओं का गुणफल यहाँ दे दिया है, ठीक है, ये पेपर जो है 2018 में पूछा गया है, ये 18 वाला लड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए निकाल लीजिए फटक से, देख लीजिए दोस्तों फटाफट, देखिए अपना आंसर मिलाइए, संतुष्ट होइए आप लोग कि कितने जो है कि आपने सही मारा। क्या बोला है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होगा, तो देखिए बच्चों अपरिमेय आएगा, आप लोग को पढ़ाया गया था परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय, चाहे गुणा में हो भाग में हो हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन बी होगा। ओके चलिए आपने सही से मारा होगा उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसम, मान लीजिए पहली लगातार संख्या दो हो गई, उसके बाद मान लीजिए चार हो गई, इसका मौसम बोल रहा है, मौसम समझ रहे हैं, महत्तम समापन तक, तो दो हो गई, दो लगातार सम संख्या, तो दो हो गया, दो गुणे वन लिखेंगे, चार को लिखेंगे क्या दो गुणे वन, एक मिला मौसम हुआ दो, मौसम हुआ दो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यही सब क्वेश्चन दोस्तों आसान आसान आपको पूछा है और यहाँ से घुमाया हुआ है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग फटाफट बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे है, क्या बात है क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए माध्य माध्यिका बहुलक भी दे दिया है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है, ये देखिए बिहार बोर्ड एकदम सिंपल पेपर फर्स्ट सेटिंग, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध होगा दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे बहुलक बराबर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों इसमें थ्री सोल्यूशन दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, देखिए फर्स्ट सेटिंग का पेपर है, यहाँ पर देखिए क्या सवाल दिया है भाई, टैन थीटा का मान बोला है 15/8 है, तो साइन का मान ज्ञात करना, ठीक है, टैन का होता है लंबा आधार, यहाँ से कोण निकाल लीजिए, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, यहाँ से कोण निकालिए, लंबा आधार कोण निकालिए दोस्तों, लंब का मान क्या है 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा, निकालिए 225 और 64 जोड़िए, देखिए 225 और 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 289 आएगा, 289 का वर्गमूल 17 होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका कर्ण का मान आ गया, क्या पूछा है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब का मान क्या है 15, कर्ण का मान क्या आया, जी हाँ 17 आया, तो यहाँ से लंब का मान क्या होगा, जी हाँ 15 बटा 17, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग उड़ा दिए होंगे, एकदम खोवा सवाल है खोवा। देखिए टैन टा प्लस कॉट टा का मान 6 दिया है, तो कह रहा है टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल के इसका वर्क कीजिए, इसमें बिठाइए फूट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सिर्फ घुमाया हुआ है, सेक टा प्लस टैन टा प्लस 1 = 0, तो सेक थीटा एंड टैन थीटा का मान निकालें, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल पूछा है दोस्तों फर्स्ट सेटिंग में। देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए सवाल, साइन टा का मान √3/2 दिया है, तो इसमें बट फूट करिए, इसका मान फूट कीजिए, देखिए साइन का फॉर्मूला क्या, लंबा टा कर्ण, आधार निकाल लीजिए यहाँ से, तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, कर्णी में 3 में से 4 - 1 बचेगा जो कि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। चलिए ये तो सवाल हमको लग रहा है डाउट है, यहाँ देखिए देखिए ये भी सवाल पूछा है, साइन इतना इतना तो बराबर कितना होगा दोस्तों, देखिए 0 से बड़ा इतना है डिग्री, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा के लिए मान बड़ा होता है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं फर्स्ट सेटिंग पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इस साइड क्या पूछा है, इस प्रकार से दोस्तों ज़्यादा जो है क्वेश्चन घुमाया हुआ है बच्चों को ताकि बच्चे घूम जाएं। ये देखिए सरल रेखाओं x = 2 y - 3 प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है किस अनुपात में, देखिए यहाँ अनुपात पूछा है किस पाद में होगा, तो x का मान 2 दिया है, y का मान -3 दिया है,
प्रतिच्छेद बिंदु यक्स का मान यहाँ पर होगा दोस्तों, और वाई का मान यहाँ होगा, प्रतिच्छेद बिंदु 2, -3 2, -3 यानी पहले 2 उसके बाद -3। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे आप लोग। ये फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है, देखिए ये मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पर तो आसान क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो काफ़ी बच्चे जो है बना लिए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने कल कराया था, और ये भी दोस्तों कल मैंने क्वेश्चन कराया है। देखिए cos 60° + 1 / cos 60° - 1 ये भी क्वेश्चन दोस्तों कराया गया है, आप इसको देखिए ध्यान से, इसको पढ़ लीजिए आराम से सेकंड सेटिंग के लिए। फर्स्ट सेटिंग मेरे पास जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर देखिए घुमाया हुआ है, इसको तिरेक मल्टीप्लाई कीजिए, ए का मान कितना होगा 12 × 5 = 60°। ठीक है, इसमें मान फूट 3 × cosec A यानी cosec 60°, cosec 60° का मान कितना होता है बच्चों जी, 2/√3 होता है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अब बटे में 3 कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 किस ऑप्शन में है, 4 सी ऑप्शन है, सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है sin 54° - cos 36°। ठीक है, 54 और 36 कितना होगा आपका, हो जाएगा कितना जी हाँ दोस्तों, 90° हो जाएगा, क्योंकि 36° और 54 6 × 4 = 10 + 5 = 5 × 3 = 8 9 9° हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, देखिए इसका आंसर देखिए sin 90° - 36 कर दीजिए दोस्तों cos 36°। ठीक है, अब देखिए साइन बदलेगा कॉस में, ये हो जाएगा 36° - cos 36°, कटेगा तो 0 बचेगा आंसर, 0। ठीक है, 0 हो जाएगा, 0। ये तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग हल करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों ये पूछा गया है वाई अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी है। देखिए वाई 13 है, यहाँ 15 है, वाई अक्ष पूछा है, यक्ष अक्ष नहीं पूछा है, वाई अक्ष पूछा, उल्टा पूछ दिया है, वाई यहाँ है भाई साहब, वाई यहाँ है, तो यक्ष अक्ष कौन होगा, 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को बनाए होंगे उम्मीद करते हैं, और फटाफट देखिए मैं आपको सही ढंग से और भी वीडियो इसको बना करके प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, फटाफट देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि घटना ई पूरा घटना ई है तो निम्न से कौन सा सही होगा। पूरा घटना के लिए क्या होता है पता है आपको, PE + P = 1 ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर होगा। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें क्या बोला है, दो नहीं आने की प्रक्रिया क्या होगी, दो नहीं कितने बार नहीं आएगा दोस्तों, देखिए दो मतलब दो नहीं आने की प्रक्रिया, दो को हटा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 5/6 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हल करिए फटाफट। यहाँ पर देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा दोस्तों, ये भी पूछा गया है। ये देखिए दोस्तों विवेचक पूछ दिया आपसे, x² + 4x + b = 0 यानी इसको निकाल लीजिए दोस्तों, a बराबर क्या होगा यहाँ से 1, b = 4, c = b, d = b² - 4ac तो b का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस, ठीक है, d = b² - 4ac 4 होगा गुणे a का मान कितना होगा 1, c का मान कितना होगा दोस्तों b, ठीक है 16 माइनस, देखिए यहाँ पर गुणा कीजिए 16 माइनस 4b किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है बच्चों। देखिए मैंने आप लोगों को पूरा दोस्तों हल करके पूरा बता रहा हूँ दोस्तों, ये फर्स्ट सेटिंग का पेपर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे इसको। इसको देखिए अर्धगोले का, यहाँ पर अर्धगोले का लगा लिए दोस्तों,
ठीक है, यही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य है भाई, कुछ नहीं करना, इसमें कॉमन ले लीजिए बस। एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसमें कॉमन ले लीजिए बस, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए इसको बनाना है आपको सही ढंग से, देखिए शून्य के लिए बराबर जीरो होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 होगा बराबर जीरो। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, बराबर 16, तो एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट 16, ठीक है। तो अब इसको निकालेगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर तो और भी आसान क्वेश्चन पूछा है, ये तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। देखिए इसको लगाएगा 4 × अल्फा प्लस बीटा है, माइनस बी बटा ए लगा दीजिए, 4 × हो जाएगा, बी का मान यहाँ से निकालिए कितना होगा, माइनस 3, तो माइनस 3 इसमें माइनस है सूत्र में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक है। और ए का मान क्या है भैया, 1, तो 4 × 12, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है जो कि आप लोगों को भुलवाया हुआ है सिर्फ, है ना। तो आप लोग आराम से एकदम बनाएंगे बच्चों, और उम्मीद रखते हैं कि जो फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन दोस्तों सेकेंड सेटिंग में भी आए, ताकि बच्चे और बच्चियाँ सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो पाएँ, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों मूल ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या होगा मूल, तो आप लोग मूल ज्ञात कर सकते हैं बराबर भी डी बराबर लगा करके, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर 48 डिग्री दिया हुआ है पी का मान, यानी पी का मान, तो कह रहा 10 48 डिग्री का मान क्या होगा, इसमें पुट कीजिए आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा वीडियो। चलिए एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया है, इसकी भुजा क्या है, समबाहु का होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, इसका मान दिया हुआ है 36√3, √3 से √3 काटिए, यहाँ से 4 × 36 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग 4 × 36, तो यहाँ से निकालिएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3√3, बिल्कुल √3 में, यानी कहने का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आ सकता है आंसर इसका। चलिए इसका देखिए, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं उभयनिष्ठ कितनी होती हैं, 2 प्रतिच्छेद बिंदुओं की उभयनिष्ठ संरेखी स्पर्शरेखा की संख्या होती है 2 उभयनिष्ठ, एक होता है दोस्तों सेकेंड सेटिंग का भी, सेकेंड सेटिंग का भी दोस्तों आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक दोस्तों 14 फरवरी फर्स्ट सेटिंग का आंसर देख सकते हैं। थैंक यू, वीडियो को शेयर भी करें।